चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। आज की मुख्य खबरें, यूपी अन्वेषक करें पुकार, नियमितीकरण करो अब सरकार। हर जिले से फरियाद कर रहे हैं अन्वेषक अपने नियमितीकरण को लेकर। उनके अत्यंत दयनीय वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी सप्ताह आ सकता है मानदेय अन्वेषकों का। 16 जून से खुल रहे स्कूलों में अन्वेषक शिक्षा मित्र नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर पहली अन्वेषकों से संबंधित है। यहाँ पर साथियों बताना चाहेंगे, लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे अन्वेषक अब सरकार से वीडियो के माध्यम से फरियाद कर रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनकी मदद की जाए। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी इस अभाव भरी ज़िंदगी पर कृपा दृष्टि की जाए। साथियों, अन्वेषक साथियों के ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आप भी देखकर दुखी हो जाएंगे उनकी हालत को। चलिए बात करते हैं आज का फरियाद भरा वीडियो, जो कि हमें सीतापुर से एक अन्वेषक भाई से प्राप्त हुआ है। समस्त अन्वेषक परिवार की तरफ से आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद कुमार है। मैं जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं विगत 9 साल से मात्र 7,000 के मानदेय में अन्वेषक शारीरिक शिक्षा के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज अत्यंत महंगाई के समय में 7,000 रुपये में परिवार चलाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केवल आने जाने भर का भी पैसा नहीं होता है। करीब 30 किलोमीटर मेरा विद्यालय घर से है, जहाँ पे प्रतिदिन मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। मैं पूर्ण ईमानदारी और अपनी लगन से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको शिक्षा दे रहा हूँ, परंतु सरकार हम सभी की उपेक्षा कर रही है। मात्र 7,000 रुपये मानदेय वो भी केवल 11 महीनों के लिए देती है। जून में हम लोगों को कोई मानदेय, कोई भत्ता, अन्य कोई सरकारी सुविधाएं भी नहीं प्राप्त होती हैं। अगर हम सब बीमार हो जाएं तो 7,000 रुपये अपना इलाज भी अच्छी तरीके से नहीं करा सकते। हम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? आप कुछ समझिए हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को। कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द हम सभी को नियमित करें, ताकि हमारे बच्चे भी, हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा या अच्छे भरण पोषण उनका कर सकें। सभी साथियों, मैं बहुत दुखी हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान करो, बस करो, अपना अपमान करो। अनुदेशक शिक्षक करें पुकार, मदद करे योगी सरकार। तो देखा साथियों आपने, किस तरीके से दर्द इनके दिल में भरा हुआ है। बस हमारे चैनल के माध्यम से माननीय योगी सरकार से यही निवेदन है, आप तो दया के सागर हैं, आप करुणा के भंडार हैं। इन अन्वेषक शिक्षकों की पुकार सुने और इनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए जल्द से जल्द कोई सही और उचित फैसला लें। साथियों, आगे समाचार है, इसी हफ्ते आ सकता है अन्वेषकों का बढ़ा हुआ मानदेय, जो कि कुल टोटल मिलाकर 11,000 होगा। 9,000 प्लस 2,000 एरियर 11,000। आज की आखिरी खबर है साथियों, 16 जून से खुल रहे विद्यालय में नहीं जाएंगे शिक्षा मित्र एवं अन्वेषक। ये थी अब तक की खास खबरें। मिलते किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।